हेलो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स लास्ट टॉपिक देखा था हमने अ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इस टॉपिक के अंदर हमें स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में समझने का प्रयास करना है इसमें ह्यूमन भी आएगा अदर एनिमल्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आएगी बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमको ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व ऑफ ऑपस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ और फ्यूजन ऑफ गमिट्स ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नया जीवन पैदा होता है ऑप पैदा होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ गमिट्स मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन से ही ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जैसे लास्ट टॉपिक में देखा था हमने कि कोई भी एक पेरेंट से ही वो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है क्लोन होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के गैमेट के फ्यूजन के कारण नई ऑफस्प्रिंग पैदा होती है इन एनिमल्स गैमेट फॉर्मेशन प्राइमरिली इन्वॉल्व द मियोसिस इन एनिमल्स बड़े हायर एनिमल्स में क्या होगा पहले क्या होगा मियोसिस होगा मियोसिस के द्वारा फॉर्मेशन इसीलिए इसको एम्पीमिक्सिस भी कहा जाता है इसलिए इसको एम्पी मिक्सिस भी कहा जाता है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स शो टू मेन फेजेस सेक्सुअल प्रोडक्शन एनिमल्स में देखिए तो दो फेज में ये कंप्लीट होता है मतलब एनिमल्स के लाइफ के अंदर में दो फेजेस आते हैं एक पहला कहलाता है अर्लियल जुवेनाइल फेज पहला फेज कहलाता है जुवेनाइल फेज मेनली इस फेज में एनिमल्स डेवलप होते हैं बड़े होते हैं मैच्योर होने लगते हैं मतलब फिजिकली ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मेनली प्रेजेंट फिजिकल ग्रोथ फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ जन्म से लेकर डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है उसको जुवेनाइल स्टेज कहा जाता है इन दिस फेज एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस एनिमल्स इस फेज में कभी भी प्रजनन नहीं कर पाते हैं रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह डेवलपमेंटल फेज होता है जहां पर एनिमल्स अपने आप को डेवलप करते हैं इन एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली इन दिस फेज बिकॉज दिस फेज इज अ फिजिकल डेवलपमेंट फेज और ग्रोथ फेज लेटर उसके बाद the reproductive maturity is attained usually after physical growth is almost over जैसे ही physical development लगभग लगभग पूरा हो जाता है over हो जाता है तब animals के life में second phase start हो जाता है जिसको कहते हैं reproductive maturity phase जहाँ पर वो reproduction करने के लिए या reproductive फेज uh, के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए बिकम रेडी हो जाता है फिजिकली डेवलप हो जाता है तो सेकंड फेज को कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज कितने फेज होंगे दो फेज पहला फेज जुवेनाइल फेज मतलब फिजिकल ग्रोथ फेज दूसरा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज जो रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है या परमिशन देता है हम कहेंगे कि उस फेज में एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर पाते हैं इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन इसी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और डेवलपमेंट जनरली जगह हम देखें तो जुविनाइल फेज में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज में ही आती है इन एनिमल कै एनिमल कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली इन दिस फेज इसी फेज़ के सेकेंड फेज के दौरान ही एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर पाते हैं बोध दिस फेज आर वेरिएबल ड्यूरिंग इन द डिफरेंट एनिमल्स ये फेज़ अगर देखें तो अलग अलग एनिमल्स में ह्यूमन्स को लेकर भी लिखेंगे ले और दूसरे ऑर्गेनिजम को भी अगर समझे तो सभी एनिमल्स के फॉर में ये फेज़ अलग अलग या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के होते हैं एज ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कहेंगे इज ड्यूरेशन के होते हैं मतलब डिफरेंटली होते हैं बोथ दिस फेज आर वेरिएबल ड्यूरिंग डिफरेंट एनिमल आफ्टर अटेंग से मैच्योरिटी जैसे ही सेक्चुअल मैच्योरिटी आ जाती है द एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस इवेंट्स नेमली प्री फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन और ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दफ्टोरिटी जैसे ही एनिमल्स मैच हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तो उसके लिए उसके फॉर्म में अलग अलग फेजेस आती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान पहला फेज कहलाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की पहली की परिस्थिति या स्टेजेस जिसमें क्या होता है गैमेटोजेनेसिस होता है मेल फीमेल गैमेट के ऑर्गन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल सेक्स गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में फीमेल गैमेट्स ऐसे गैमेटोजेनेसिस होगा जिसके द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होंगे उसके बाद और वो गैमेट्स फार्म ट्रांसफर भी होंगे जैसे मेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन में ट्रांसफर होना उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसे जायगोट बनना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बनता है जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर में समझ लिया है जायगोट बनेगा और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा जैसे प्लांट्स में भी होता है वैसे एनिमल्स पे भी एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है द सेक्चुअल प्रोडक्शन इन एनिमल्स शोध वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न हर एनिमल्स का अपना खुद का एक ब्रीडिंग पैटर्न होता है मतलब प्रजन करने का समय कालावधि जिसको कहते हैं उसका ब्रीडिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं सम लाइक गोट शीप एंड डोंकी आर सीजनल ब्रीडर्स गो शिप और डोंकी या काउ वगैरह होते जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर होता है मतलब सेशन में साल में एक या दो बार इनकी ब्रीडिंग पैटर्न आता है लेकिन ह्यूमंस और एप्स की बात करें ह्यूमंस और एप्स दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर इनके लिए ये कोई समय का सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ये साल भर प्रजनन कर सकते हैं मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साल में एक बार प्रजनन करते हैं कुछ साल में दो बार प्रजनन करते हैं तो एप्स और ह्यूमन की ये एनिमल्स ऐसे हैं जो साल भर वर्ष भर कभी भी प्रजनन कर सकते हैं दे कैन ब्रीड थ्रो आउट द ईयर वो साल भर कभी भी प्रजनन कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है कि एनिमल्स के अलग अलग जैसे हमने कैरेक्टर पढ़ चुके हैं या हम क्लासिफिकेशन uh, पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर में एनिमल किंगडम के अंदर में तो उसके हिसाब से जैसे जैसे एनिमल्स मिलते हैं वैसे वैसे वो अपने एनिमल्स अपने अपने ब्रीडिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं साल में एक बार साल में दो बार या साल भर या कई कई एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि एक दो साल बाद ब्रीड कर पाते हैं जैसे हाथी जो होते हैं उनका जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड हो काफी लंबा होता है ग्यारह ग्यारह महीने का होता है तो ये कभी कभी कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो साल दो साल के बाद में भी ब्रीड कर पाते हैं तो अपने अपने एनिमल्स uh, के पैटर्न में वो रिप्रोडक्शन के ब्रीडिंग का पैटर्न को फॉलो करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं अभी हम हमारा टॉपिक बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो अभी आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ओर अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा ह्यूमन आ सेक्सुअलोडोस प्रोडक्शन एनिमल ह्यूमन शिल्प सेक्चुअल प्रोडक्शन कर पाते हैं असेक्चुअल नहीं कर पाते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप सच एज गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज जयगोड फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस गेस्टेशन एंड पॉर्चूरेशन अगर ह्यूमस की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन फेज में अलग अलग इवेंट्स कहलाते आते हैं जैसे हमने देखा है कौन सा गैमेटोजेनेसिस मेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होना इंसेमिनेशन होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में गैमेट्स uh, या स्पर्म छोड़ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होना जिसमें हम कहते हैं मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आएंगी जयगोड फॉर्मेशन होना झाइट जैसा बन गया तो उसको उसका नेक्स्ट स्टेप कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस होना एम्ब्रिय ड्रून का डेवलपमेंट होना उसका डेवलपमेंट गैस्टेशन होना और अंत में पॉर्च्योरेशन जिसको हम डिलीवरी कहते हैं पॉर्चुरेशन होना इस तरह से ह्यूम में इतने सारे सिक्वेंट मतलब गैमेटोजेनेसिस इंसमिनेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन झाइगोड फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस गैस्टेशन और अंत में पॉर्चुरेशन दी इज पॉर्च्यूरिएशन इन द रिप्रोडक्टिव फेज इसमें सबसे अंत में पॉर्च्यूरेशन आता है द गैमेट्स आर इन ह्यूमन्स दर्म इन मेल इन एग इन फीमेल स्पर्म ह्यूमन्स के या मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बंद होता है जो गैमेट्स हैं गैमेटोजेनेसिस का गैमेट स्पर्म और फीमेल का है एग आर रिप्रोड्यूस बाई द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जस्ट लाइक द मेल में ये टेस्टिक्स से बनता है और फीमेल में ये ओवरी में बनता है तो टेस्टिक प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूस एग ऑर्गन्स आर फर्दर अदर देन द दे टेस्टिस एंड ओवरी ओवरी और ओवरी और टेस्टिस के अलावा जो दूसरे ऑर्गन के होते हैं जो बॉडी में ह्यूमस में उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं अगर हम समझे क्या होता है इन मेल एंड फीमेल कैन बी एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम आदमी और औरत मेल और फीमेल को उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से ही पहचान लेते हैं जैसे हम जानते हैं कि मेल को अगर हम बोले हम मेल है तो हम उसको देखते बड़ा पहचान रहते हैं कि मेल कैसा दिखाया है क्योंकि मेल में प्रेजेंस ऑफ बियर्ड मुस्टेची दाढ़ी मूछ होती है उसके चेस्ट पर बाल होते हैं कैसे होंगे हेयर ऑन चेस्ट बॉडी मस्कुलर होगी एन लार्ज लैरिंग्स होगा जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है या लोकल भाषा में हम उसको कंठ कहते हैं तो यह नजर आता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स के कहलाते हैं मतलब कैसे होंगी बियर्ड मुस्टेची हेयर्स ऑन चेस्ट एंड मस्कुलर बॉडी एंड एन लार्ज एन लार्ज लेरिंग्स जिसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है ये मेल से करेक्टर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल हा और द करैक्टर डेवलप ब्रेस्ट फीमेल के डेवलप सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कैसे होंगे ब्रेस्ट रहेगा ब्रॉडर पैलविक्स रहेगी कमर काफ़ी बड़ी रहेगी और हाई पिच वॉइस रहेगा मतलब आवाज बारीक और थोड़ी बड़ी रहेगी ये जनरली क्या होता है ये सेक्चुअल सेकेंडरी करेक्टर कहलाते हैं जिसके कारण ही हम ह्यूमंस मेल और फीमेल के फीमेल मेल और फीमेल को एक्सटर्नली कैरेक्टर से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन मेल है कि कौन फीमेल है तो ये मेल टेस्टिस और ओवरी के अलावा जो सेकेंडरी करेक्टर होते हैं तो उसको सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर कहलाता है क्या कहा जाता है सॉरी लेकिन जो मेन सेक्स का अगर होंगे वो होंगे टेस्टिस और ओवरी ठीक है तो हम नेक्स्ट टॉपिक से हम मेल